नवरात्रि के दूसरे दिन ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नव दुर्गा की दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ एक हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। तो माँ का उपासना का मंत्र, इस मंत्र का आप जप जरूर करें। दधाना कर्पद्याभ्याम समाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तू मया ब्रह्मचारिणी नतमा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिवजी उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। तो बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय।